लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। लोकसभा स्पीकर के पद पर फंसा पेच, विपक्ष के साथ नहीं बन पा रही सहमति। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने रही है। विपक्ष ने डिप्टी स्पीकर का पद दिए जाने पर सहमति की बात कही थी। विपक्ष भी एनडीए उम्मीदवार के सामने उतार सकता है उम्मीदवार। देखिए बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, एनडीए ने ओम बिरला को फिर से अपना स्पीकर उम्मीदवार बनाया है। विपक्ष के सुरेश को बना सकता है अपना उम्मीदवार। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। लोकसभा स्पीकर के पद पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष के साथ नहीं बन पा रही है सहमति। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विपक्ष ने डिप्टी स्पीकर का पद दिए जाने पर बात कही थी। विपक्ष भी एनडीए उम्मीदवार के सामने अब अपना उम्मीदवार उतार सकता है। एनडीए ने ओम बिरला को फिर से अपना स्पीकर उम्मीदवार बनाया है। विपक्ष के सुरेश को अपना उम्मीदवार बना सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। लोकसभा स्पीकर के पद पर अब फिर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष के साथ सहमति नहीं बन पा रही है। विपक्ष ने डिप्टी स्पीकर का पद दिए जाने पर कहा था कि सहमति की बात कही थी कि डिप्टी स्पीकर का अगर उन्हें पद दिया जाता है तो वो सहमत रहेंगे, लेकिन अब पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि एनडीए की अगर बात की जाए तो फिर से एक बार ओम बिरला को ही उम्मीदवार घोषित किया गया है लोकसभा स्पीकर को लेकर, लेकिन अब फिर से एक बार पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अब ये खबर सामने आ रही है कि विपक्ष भी अपना उम्मीदवार घोषित कर सकता है लोकसभा स्पीकर के लिए। हालांकि आपको बता दें ये जो खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। तो बड़ी जानकारी, एनडीए ने ओम बिरला को फिर बनाया अपना स्पीकर उम्मीदवार। अमित तिवारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और साथ ही एनडीए की बात की जाए तो लोकसभा स्पीकर का जो उम्मीदवार है फिर से एक बार ओम बिरला को चुना गया है, लेकिन अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष ने डिप्टी स्पीकर को लेकर सहमति जताई थी कि वो जब सहमत होंगे, जब उनको डिप्टी स्पीकर के लिए जो पद है उसके लिए वो उम्मीदवार घोषित करें, लेकिन बड़ा पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है लोकसभा स्पीकर को लेकर। और ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि विपक्ष जो है लोकसभा स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार उतार सकता है। निश्चित रूप से जिस प्रकार की स्थिति लग रही थी और फिर से देखिए विपक्ष जो है वो दबाव की राजनीति के चलते ही अब के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाने जा रहा है, ऐसा सूत्रों का कहना है। दरअसल राजनाथ सिंह ने जो रक्षा मंत्री हैं उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी कि वे सहमति बनाए विपक्ष की भी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि जिस प्रकार से केसी वेणुगोपाल और जो टीआर बालू हैं वे राजनाथ सिंह के ऑफिस से निकलकर आ गए और उनसे उनकी बातचीत शायद सहमति वाली नहीं हुई, ऐसा लगता है। अभी सूत्रों का यही कहना है। हालांकि एनडीए के उम्मीदवार देखिए फिर से ही कोटा से जो सांसद है ओम बिरला उन्हें ही बनाया गया है ऐसा कहा जा रहा है, और लेकिन के सुरेश के अगर विपक्ष की ओर से खड़ा किया जाता है उम्मीदवार तो यह संसदीय इतिहास में एक नया दौर होगा जब स्पीकर पद के लिए चुनाव की नौबत आई है। और साथ साथ देखिए विपक्ष अड़ा हुआ है कि डिप्टी स्पीकर भी बनाया जाए उनका। देखिए स्पीकर पद की बहुत गरिमामय पद है और उसकी महत्व काफी रहता है क्योंकि जितने भी अगर संसदीय कार्य होते हैं और लोकसभा में जितने भी विधायी कार्य होते हैं उन्हें पक्ष भी चाहता है कि उनको उनका स्पीकर जो है उनका बने, क्योंकि ऐसी परिपाटी भी रही है कि जो सत्ता पक्ष होता है उसी का स्पीकर बनता है, बहुमत के आधार पर यही निर्णय होता है। लेकिन इस बार जो है वो एनडीए सरकार होने से कई फैसलों में देखिए दखलअंदाजी मिलेगी और विपक्ष के मजबूत होने से, जैसा कल की चर्चा में शमीश का हमने ये बात की थी कि किस प्रकार से जो हंगामेदार सत्र 18वीं लोकसभा का पहला सत्र और पहला दिन हंगामेदार रहा, तो तकरीबन ऐसी स्थितियां देखिए लगभग देखने को हर रोज मिलेगी। इस बार संसद जो है वो साधारण लोकसभा नहीं है, इस बार विपक्ष जो है वो 233 के आंकड़े के साथ एक मजबूत विपक्ष के तौर पर आया है सामने, और ऐसे में अभी स्पीकर के पद पर जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, जो असमंजस बना हुआ है, संभवतः वो भी आगे कई मौकों पर देखने को मिलेगा। जी अमित, बिल्कुल जिस तरीके से अभी सूत्रों के हवाले से हालांकि खबर सामने आ रही है कि विपक्ष जो है लोकसभा स्पीकर का जो उम्मीदवार है वो घोषित कर सकता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एनडीए की अगर बात की जाए तो लोकसभा स्पीकर का जो उम्मीदवार है वो घोषित कर दिया गया है, लेकिन डिप्टी स्पीकर को लेकर भी यहां पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब एनडीए क्या सोच रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सोच रहे हैं कि बीजेपी से डिप्टी स्पीकर होगा या फिर एनडीए जो अन्य सहयोगी दल है बीजेपी के उनसे चुनाव की उनको उम्मीदवार घोषित किया जाएगा? देखिए बिल्कुल यह सवाल आज की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में मौजूदा जो लोकसभा की परिस्थितियां उनके हिसाब से काफी सटीक है, क्योंकि
देखिए सीधे रूप में अगर विपक्ष ने जिस प्रकार से अपना उम्मीदवार उतारा है और यहाँ उम्मीदवारी का पेश पड़ता है तो डिप्टी स्पीकर के लिए भी जो है वो चुनाव करवाया जा सकता है। और ऐसी स्थितियों में निश्चित रूप से देखिए जैसे भारतीय जनता पार्टी से अगर ओम बिरला का नाम सामने आ चुका है तो इसी तरह से एनडीए के दूसरे जो धड़े हैं, चाहे टीडीपी की बात करें, टीडीपी का हमेशा से ही जो ऐसा रहा है कि जो अध्यक्ष है लोकसभा स्पीकर का जो पद है वो उनके पास आए, उनकी झोली में आए, तो डिप्टी स्पीकर के लिए भी वे कोशिश कर सकते हैं और टीडीपी या जेडीयू दोनों ही ये मांग कर सकते हैं कि उनमें से ही किसी को डिप्टी स्पीकर का उनका भी कोई चेहरा हो वो डिप्टी स्पीकर के ऊपर सामने आए। तो ऐसे में विपक्ष के लिए भी देखिए एक स्थिति बनेगी। दरअसल जो संसदीय परंपरा रही है, जो लोकसभा की परंपरा रही है, उसके मुताबिक अभी देखिए आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। देखिए बड़ी खबर यहाँ पे आ रही है अमित, जैसे कि अभी आपने बोला कि के सुरेश को अपना उम्मीदवार जो है घोषित कर दिया विपक्ष ने। देखिए बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अभी पॉलिटिकल एडिटर से हमारी बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे विपक्ष जो है कि सुरेश का नाम उम्मीदवार घोषित कर सकता है। और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ओम बिरला ने एनडीए की तरफ से नामांकन कर दिया है और विपक्ष की तरफ से के सुरेश ने अपना नामांकन भर दिया है। देखिए अब ये चैलेंजिंग हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा स्पीकर का नाम एनडीए की तरफ से सामने आया है, वैसे ये विपक्ष की तरफ से भी के सुरेश का नाम सामने आ गया है और नामांकन भी भर दिया है। अब ये स्थिति चुनाव की हो गई है। हालांकि जितनी भी लोकसभाएं होती हैं उसमें आमतौर पर देखा जाता है कि बिना चुनाव के लोकसभा स्पीकर का नाम घोषित हो जाता है और जो भी सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसका ही ज्यादातर स्पीकर होता है लोकसभा स्पीकर। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये कि विपक्ष की तरफ से भी के सुरेश ने नामांकन भर दिया है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लोकसभा स्पीकर के पद पर पेच फंसा हुआ है, एनडीए विपक्ष के बीच सहमति नहीं बनी, विपक्ष ने अपना स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार उतार दिया है और विपक्ष ने के सुरेश को स्पीकर पद का उम्मीदवार बनाया है। देखिए तिवारी जी हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए अमित जी फिर से एक बार आपको बता दूं कि विपक्ष ने के सुरेश का नाम उम्मीदवार की लिस्ट में शामिल कर दिया है, उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है उनकी तरफ से। अब यहां पर चुनाव की स्थिति पैदा हो गई है। अब एनडीए की बात की जाए तो यहां पर ओम बिरला सामने हैं और विपक्ष की बात की जाए तो के सुरेश हैं। अमित जी बिल्कुल, यह एक अनोखी स्थिति जो है इस 18वीं लोकसभा में देखने को मिल रही है, जब स्पीकर पद के लिए चुनाव की नौबत आ रही है। तो ऐसे में यह महत्वपूर्ण है। और देखिए हालांकि संख्या बल की दृष्टि से देखें तो एनडीए मजबूत है, इसलिए उनकी सरकार भी है, 293 की सदस्य संख्या उनके पास है। लेकिन विपक्ष ने के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया, पहले भी प्रोटेम स्पीकर के मामले में भी उन्होंने के सुरेश की वे 8वीं बार चुनकर आए हैं। हालांकि उस समय जो डॉक्टर अभी जो मेहताब हैं उन्हें प्रोटेम स्पीकर चुन लिया गया और उन्हें शपथ दिलाई गई, तो ऐसे में उन्होंने विरोध जताया था। उस समय से ही देखिए विरोध के जो स्वर वो सुनने लगे थे और अब जो है वो चुनाव की नौबत आ गई है, यानी विपक्ष है इस बार मानने वाला नहीं है। आईएनडीए विरोध जो है वो हर स्तर पर अपना विरोध जताएगा। अब स्पीकर के मुद्दे पर भी उनका विरोध सामने आ चुका है और उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, यानी किसी मुद्दे पर सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर ऐसी स्थिति रही तो निश्चित रूप से 18वीं, जैसे कल की चर्चा में मैंने समझकर कहा था कि 18वीं लोकसभा जो है इस बार काफी विवादित रहेगी, कई विवाद जो है वो देखने को मिलेंगे और विवादों का दौर और नई परिपाटियां बनने का, नई परंपराएं बनने का दौर जो है वो शुरू हो गया कल पहले दिन से ही, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर पर आज तक ऐसा विरोध देखने को नहीं मिला। कल उन्होंने विरोध भी जताया और शपथ ग्रहण के दौरान ही जिस प्रकार का उन्होंने नीट परीक्षा को लेकर और धर्मेंद्र प्रधान का विरोध किया और संविधान की कॉपी दिखाने का काम किया, प्रधानमंत्री जब शपथ ले रहे थे उस तरह भी उन्होंने अपने विरोध के जो नारे लगाए, तो ऐसी स्थितियां जो है वो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए तो अच्छी बात नहीं है। और ऐसे में लोकसभा जो चलाना बड़ा मुश्किल जो रहने वाला है ऐसी परिस्थितियों में। जी बिल्कुल, हमें देखिए 2019 की तस्वीरों की बात की जाए तो विपक्ष काफी कमजोर था, 2024 की बात की जाए तो विपक्ष काफी मजबूत है। अब ऐसे में वो फायदा जरूर उठाएगा विपक्ष, जिस तरीके से अभी लोकसभा स्पीकर को लेकर ही पेच फंसा था, दोनों के नाम सामने आ चुके हैं। अब डिप्टी स्पीकर की बात की जाए तो उसको लेकर भी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ एनडीए की बात की जाए तो एनडीए और बीजेपी दोनों की अगर बात की जाए तो बीजेपी भी अब ये सोच रही है कि उम्मीदवार जो होगा वो एनडीए से होगा या फिर सिर्फ बीजेपी से होगा। और यहां पर विपक्ष जो है अभी लोकसभा स्पीकर के लिए उम्मीदवार सामने आया, हो सकता है डिप्टी स्पीकर के लिए भी उम्मीदवार सामने आ सके। जी निश्चित रूप से चमिश्ता, जैसे मैंने पहले भी सभी चर्चाओं में इस बात को कहा है कि 2014 और 2019 को जिस प्रकार से इंजॉय किया भारतीय जनता पार्टी ने, अपनी जो रणनीति बनाकर उसे लागू किया, चाहे वो कानून थे या कोई भी
ऐसी बातें देखने को मिली जो उन्होंने अपने पूर्ण बहुमत का लाभ उठाया, लेकिन इस बार वे पूर्ण बहुमत में नहीं है और विपक्ष भी जो है मजबूत संख्या बल के साथ आया है और एनडीए सरकार देखिए जेडीयू और पीडीपी की वैसाखियों पर चल रही है सरकार, तो ऐसे में निश्चित रूप से उन्हें भी खुश रखना है, साथ साथ जो विपक्ष की मजबूती है उसका भी जवाब देना है। तो एक इस बार जो है नई तरह की तस्वीर बनी है और पिछली बार देखिए प्रचंड बहुमत के साथ 303 के आंकड़े को लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी और खुद के दम पर जो है वो सरकार बनाई थी। उस समय सहयोगी तो साथ खड़े थे लेकिन मजबूती जो भाजपा की थी उसके सामने कोई भी जो सहयोगी था वो बोलने की हिमाकत नहीं करता था, लेकिन इस बार पिक्चर पूरी तरह से अलग है और ऐसे में उन्हें हर फैसले के लिए अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलना है। प्रधानमंत्री ने भी पहले ही बार वही इस बात को कह दिया कि जो है विपक्ष भी अपना संयम में रहे और सहयोग करे, सरकार को चलाने के लिए तो निश्चित रूप से बहुमत की जरूरत होती है लेकिन एक तरह से स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि विपक्ष भी अपना जो है संयम के साथ चले। जैसे में देखने वाली बात होगी कि स्पीकर के पद से लेकर ही जिस प्रकार का आंदोलन देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार का विरोध देखने को मिल रहा है, वो आगे भी जो है वो कई मौकों पर नजर आएगा। चलिए अभी तो बने रहिए हमारे साथ, आप अपराजिता श्री भी दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। आप अपराजिता देखिए, अभी फिलहाल लोकसभा स्पीकर की बात की जाए तो एनडीए की तरफ से उम्मीदवार का नाम सामने आ गया, लेकिन विपक्ष की तरफ से भी उम्मीदवार का नाम सामने आ गया है, के सुरेश को उन्होंने अपना उम्मीदवार चुना है। अभी फिलहाल किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है वहां से? जी बिल्कुल, देखिए अगर इस बार स्पीकर का नाम भी इस बार इलेक्ट किया जाता है, अगर इंटर अलायंस के द्वारा किया जाता है तो ये पहली बार हो जाएगा जब स्पीकर को लेके इलेक्शन किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले क्या होता था ये कंसेंसस किया जाते थे और देखिए 700 से एमपी के सुरेश के द्वारा भी ये चीजें कही गई है कि हम तैयार हैं, मगर यूनानिमसली ये चीजें होनी चाहिए, मगर सभी की सहमति के साथ ये चीजें होनी चाहिए, मगर जो मल्लिकार्जुन खड़गे इंतजार करें, क्योंकि कहा गया था राजनाथ सिंह के द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे को कॉल गया था कि सपोर्ट किया जाए, स्पीकर का जो नाम सजेस्ट किया जाएगा उसको सपोर्ट किया जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा कहा गया बिल्कुल हम इंडिया ब्लॉक के साथ बातचीत करेंगे, पहले आप नाम सामने प्रपोज कीजिए। और साथ ही एक और चीज, चाहे वो राहुल गांधी हो जाए, के सुरेश हो जाए या मल्लिकार्जुन खड़गे हो जाए, उनके द्वारा ये चीजें कही गई कि पहले तो नाम अनाउंस किया जाए और दूसरी चीज डेप्यूटी स्पीकर का जो पोस्ट है वो ऑपोजिशन के पास जाएगा, ये शर्तें रखी गई है सामने। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या गतिविधियां रहती है किस तरीके से, क्योंकि अगर इलेक्शन होता है ये स्पीकर को लेकर के तो ये पहली बार ऐसा होगा कि स्पीकर को लेकर के इलेक्शन किया जा रहा है, ये चीजें सामने होगी। वही पार्लियामेंट की और की चीजों की बात की जाए तो आज जो बचे हुए जितने भी एमपीज हैं वो आज ओथ लेंगे, अखिलेश यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, मवा मोहत्रा हो गए और भी कई अनेक नेता आज ओथ लेने वाला है। और वही आज नॉमिनेशन भी स्पीकर को लेकर के डाला गया है। अब देखने वाली बात होगी आगे कल की, अगर मैं बात करती हूँ तो कल क्या कुछ चीजें रहने वाली है, क्या हंगामा रहता है या क्या जो ऑपोजिशन है उनके द्वारा क्या एक्सेप्ट किया जाएगा डिसीजन को, क्योंकि राहुल गांधी के द्वारा भी ये चीजें कही गई है, जब उनसे पूछा गया स्पीकर को लेकर तो उनके द्वारा कहा गया बिल्कुल हम कॉपरेट करेंगे। और कल भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो चीजें कही गई थी, आज हमने अखबार में पढ़ा किस तरीके से मेंशन किया गया है कि ऑपोजिशन से दरख्वास्त किया जा रहा है कि वो एक्सेप्टेबल बने, वो हमारे जो चीजें हैं उन्हें, जैसे चाहे वो प्रोटेम स्पीकर की चीजें हो जाए या जो भी चीजें हो, साथ काम कर, इस तरह की चीजों का जिक्र देखने को मिला। मगर वहीं अगर बात की जाए तो उनके द्वारा ना ही कुछ कंसेंसस की बात हो रही है, ना ही किसी तरह की कोई बातचीत की बात हो रही है, चाहे वो राजनाथ सिंह के द्वारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कॉल करना मल्लिकार्जुन खड़गे को स्पीकर के बातचीत को लेकर के वो भी हो, तो अभी तक कॉल का इंतजार किया जा रहा है, हालांकि उनके द्वारा कॉल नहीं आया। तो हम कह सकते हैं कि जो स्पीकर का है, हालांकि हमने पहले दिन देखा था किस तरीके से यहाँ पर हंगामा हुआ था, पार्लियामेंट में हंगामा हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन को दिखा करके किस तरीके से ऑपोजिशन ने हंगामा किया था, इंडिया ब्लॉक ने हंगामा किया था, वही हम कह सकते हैं कि ऐसे ही कुछ दृश्य संभवतः कल देखने को मिल सकती है। जी आप राजदा, फिलहाल आपको बता दूं कि जिस तरीके से सहमति की अगर बात की जाए, विपक्ष की और एनडीए की सहमति नहीं बन पाई है, और सहमति नहीं बनने से लोकसभा स्पीकर उम्मीदवारों की सहमति नहीं बनने से विपक्ष ने भी के सुरेश का उम्मीदवार जो नाम है वो उम्मीदवार उतार दिया है। वैसे में चुनाव होना संभव है, चुनाव होगा और ये देखने वाली बात होगी कि फिर आगे क्या रहता है। जी बिल्कुल, अगर चुनाव होता है तो क्या चीजें रहती है, क्योंकि देखिए पहली बार चुनाव का होगा कि जब चुनाव होता है इसमें, या देखिए अगर किसी तरीके से अगर कुछ बात बन पाती है ऑपोजिशन और एनडीए के बीच या मोदी सरकार के बीच में, कुछ बात बन पाती है और नाम को वापस से ले लिया जाता है, वो अलग चीजें होंगी। हालांकि अगर अभी की अपडेट की बात की जाए तो बिल्कुल देखा जा सकता है कि इस बार चुनाव होने वाला है, और साथ ही बहुत अहम हो जाता है कि डेप्यूटी स्पीकर का नाम किसका रहता है, या हो सकता है कि संभवतः अगर एनडीए सरकार इस बात को लेकर नाम जाए कि बात होगी
लेकिन हालांकि विपक्ष और एनडीए दोनों की अगर बात की जाए तो उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं लोकसभा स्पीकर के। अब चुनाव होता है, किसका नाम आगे रहेगा और कौन इसमें पद हासिल करेगा, ये देखने वाली बात होगी। बेहद शुक्रिया पराजिता हमारे साथ जुड़ने के लिए और अमित जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। तो देखिये ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, लोकसभा स्पीकर के नाम को लेकर चर्चाएं तेज थी और विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष की एनडीए से सहमति नहीं बन पाई, उन्होंने भी के सुरेश का नाम जो है आगे रखा है, उम्मीदवार उतार दिया है, अब चुनाव होना है। तो विपक्ष की बात की जाए और एनडीए की बात की जाए, एनडीए की तरफ से ओम बिरला का नाम ही उम्मीदवार में घोषित किया गया है और नामांकन उन्होंने भरा है। अब बात की जाए विपक्ष की तो के सुरेश ने नामांकन भर दिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में हरियाणा बीजेपी अब नजर आ रही है। 29 जून को अमित शाह की अध्यक्षता में बड़ी बैठक होगी, कुरुक्षेत्र में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी बनाएगी रणनीति, बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शामिल होंगे, राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ भी मौजूद रहेंगे, सीएम नायब सैनी कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे, बीजेपी के सभी मंत्री विधायक भी साथ में मौजूद रहेंगे, करीब 2500 नेता कार्यकर्ता बैठक में मौजूद रहेंगे। तो देखिए ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीजेपी के सभी मंत्री विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे और साथ